अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा अशरफी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, देखिए आज शाम में घर में कौन आया है, शहनाज भाभी जान और फ़हीम भाई। ये जो है मेरे जिठानी है और जेठ है, ये लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं। जल्दी से जल्दी अगर करना चाहिए, क्योंकि लड़के वाले क्या बोल रहे हैं कि जल्दी निकलना घर से, क्योंकि बारिश पानी का टाइम है। तो भाई रही ना, उसको बोलना तो उनको नारा तो खिलाते बैठते देखते बैठ, तुम अपना काम कर, मैं करना। मैं बताई ना अमरीन ने, सब ये बनाए वो बनाए, टोकरी बताई, सामान बताई, पैकिंग का लाइना और पैकिंग का सामान लेकर आई मैंने थोड़ा। अच्छा अच्छा, अब वो क्या बोलते, तो तुम लोग आएंगे तो क्या 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 रखना है। तो यहाँ पर मैंने बनाया है तुराई की सब्जी, तो ये बहुत ही टेस्टी है, आपने भी खाया होगा तुराई की सब्जी। तो तुराई की सब्जी को मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये डाला मैंने हरा वाला धनिया, कटा हुआ समार, तो ये है बॉयल एग। तो मैं जो है ना तुराई के साथ इसे सेट कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा लगता है तुराई के साथ अंडा। तो इस तरह से मैं, जैसे सहरी में आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने टमाटर की चटनी के साथ भी इसको सेट किया था, कटे हुए अंडों को, तो ये तुराई के साथ मतलब मिक्स करके खाऊं तो बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। तो ऐसे ही कुछ कुछ डिफरेंट करना है ना, तो मैं ऐसी सब्जियां कर देती हूँ कि सब सब्जी भी खाने में आ जाए और उसके साथ अंडा भी खाने में आ जाए। ऐसे बॉईल एग अलग से दो ना, तो ये लोग जल्दी खाने नहीं करते हैं, और ऐसी सब्जियां भी खाने में नहीं आती है। तो इसके साथ मैच करते हुए तुराई की सब्जी खाएंगे। आइए आप सब भी खाना खाने, ये मैंने रात के खाने के लिए बनाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हो गया है नेक्स्ट डे और मैं हो गई हूँ रेडी। और आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ नौशीन के घर यानी पिंकी के घर, और मंगनी की तैयारी, इंगेजमेंट की जो तैयारियाँ होने वाली है। तो नौशीन ने, अमरीन ने जो है ना मुझे बुलाया है कि चाची थोड़ा सा आप आइए घर पे, तो फिर मैं वहीं जाने के लिए निकल रही हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ और आगे ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लॉन्ग कुर्ती पहना है और उसके ऊपर ये प्लेन वाला दुपट्टा डाला है। अक्सर रिजा और मुजम्मिल बोलते हैं मम्मी कुर्तीज़ पहना करो, लेते किस लिए, रिजा बोलते हैं मम्मी फिर आप लेते क्यों है। तो मैंने बच्चों के कहने पे पहन लिया है ये, और मैं रेडी हो गई हूँ और निकलते अब हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, छोटे बड़ों सबको सलाम। अस्सलाम वालेकुम, ये लेकिन रोल देना पड़ता है। ये दामाद लोग भी ऐसे हैं, हनी सिंह से कम नहीं है। तब तक मैं रेड कवर इसको तीन ही ट्रेवल नहीं करती है। एक वो रेड है तो गोल्डन कर देती है, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आ रही। हां भाई, छिपे छिपे सही है वाले, वो ला लो नहीं, सब फेंक दे किलो ने का बाकी कचरे वाले ये हो गया ना, इसको पैक कर दो। करा रहे हैं ये, करा रहा प्लीज, नहीं है ना प्लीज, ना कपड़ा
एक सिंगल स्कर्ट है नहीं दो पैच है, कलर अच्छे ये लगा है, ये पैंट है और ऐसे डाउन का सीन है। और ये डब्बा तो उठा के रख के माना आपका ये बेटा कोई काम आ रही है ये इस पे का तो हमने मिल रहा था कुछ है ये वाला मैंने पैटर्न था। एक सूट अगर 15 मिनट में खड़ी हुआ तो पैक कब हुआ कर ले पहले अपना काम पार्टनर तीन हजार चार हजार के नीचे नहीं आ रहा ऐसा ड्रेस नहीं जा रहे तो पसंद नहीं आते इस टाइप से करूं ऐसे करके। हाँ पूछ लेना पहले। को आपका यूट्यूब चैनल आपको अच्छा सब्सक्राइब वाली नई बहू मुबारक हो आपको और एक पे फ्री मिल रही ना बहू और तरक्की दे है ना। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर खाया खाना और खाना खाने के बाद सब लोग ने बहुत इन्जॉय किया। आप तो सब देख ही रहे चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी बहुत अच्छा बना था। खाना खाने के बाद फिर सारी चीज़ें कंटिन्यू होती गई और फिर मैं सारी चीज़ें आपको आगे बताते जाऊँगी इस व्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए रेड वाला ड्रेस जो है ना बहुत ही प्यारा है, इसका दुपट्टा जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सारा ड्रेसेस नौशीन ने अपनी पसंद से लेकर आए, वो अपनी सास के साथ शॉपिंग के लिए गए थे। आपको ये बता दूँ कि नौशीन की जो सास है ना वो उनकी रियल फुप्पी है, मतलब उनको फुप्पी के घर में ही दिए। तो माशाल्लाह सारे लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे को और जब मैं जाती हूँ उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मस्ती मजाक का माहौल बना हुआ है। तो व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना मैं अपनी कुर्ती पे का दुपट्टा लाना भूल गई थी, इसलिए मैंने नकाब वाला हिजाब ही अपना नकाब पर मतलब जो हिजाब था मेरे मैंने वही फिर ओढ़ लिया उस पर। और उसके बाद देखिए सारी तैयारी इस तरह से चल रही है। हम लोगों ने जो है ना जो ट्रे है पैक करने के तो वो घर में ही बनाए, ये नौशीन ने पूरे ट्रे बना के रखे थे मेरे आने के पहले। उन्होंने जो है ना दो दिन से तैयारी शुरू थी तो नौशीन ने जो है ट्रे बना के रखा था और उसके बाद जो है ना उसमें ड्रेसेस रखना था, उसकी पैकिंग जो है वो हम लोग कर रहे थे। तो साथ में जो है ना नौशीन की ननंद बैठे है और एक साइड अदीबा बैठे है। माशाल्लाह बहुत प्यारा दिख रहा है ये वाला और ये नौशीन ने अपनी पसंद से बनाए खुद पूरा डिजाइन। माशाल्लाह नौशीन कपड़े बहुत अच्छे सीते, हमेशा अच्छे। ये बहुत प्यारी चूड़िया है, ये नौशीन ने लेकर आया दुल्हन के लिए। अब मैं आपको बता दूं ये नौशीन की ननंद है। बहुत खूबसूरत है ये दुल्हन का सेट। ये भी एक ड्रेस है माशाल्लाह, ये भी एक ड्रेस है और भी चीज़ें हैं, पूरी पैक हो जाएगी तो फिर मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताती हूँ। बहुत अच्छा लगा, कलर भी बहुत अच्छा लगा, अच्छा सब चीज अच्छी लगी, सब अच्छा है, आधा काम रहेगा, कल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बड़ा भरा पूरा दुपट्टा है जॉर्जेट का, कितने का ड्रेस है? कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट डे में।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हो गया है नेक्स्ट डे और देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट। और आपको पता ही है मुझे नौशीन के घर जाना है, इसलिए मैंने फटाफट से बनने वाली चीज़ें बनाया, नाश्ते में बना दिया झटपट से ब्रेड ऑमलेट और उसके बाद लंच के लिए मैंने बना दिया बघारे चावल और चने की दाल। तो ये सारी रेसिपीज़ मेरी डली ही है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे ब्रेड और ऑमलेट बना रही हूँ, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ समार और उसमें कटी हुई प्याज डाला मैंने, नमक डाला और अंडा और ब्रेड के साथ जो है ना नाश्ता किया सबने। और ये रही चने की दाल और बघारे चावल, इस तरह से मैंने सब कुछ बना लिया फटाफट से। फ्रेंड्स देखिए, घर के सारे काम निपटाने के बाद मुजम्मिल और मैं आ गए हैं नौशीन के घर। और नौशीन के घर आके फिर से वापस से वही वाले काम शुरू जो कल छोड़ कर गए थे ना। तो मैंने वादा किया था कि मैं आज आऊँगी करके, इसलिए मैं आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब खा रहे हैं खाना और आप बोलेंगे कितने बार खाना खाती है अभी, घर से तो अंडा ब्रेड खा कर आई। तो मुझे भी हंसी आ रही थी बताते वक्त, शूट करते वक्त। तो यहाँ पर जो है ना मिक्स सब्ज़ी बनी थी बहुत टेस्टी, शबाना बाजी ने बहुत फोर्स किया तो फिर मैं खाने के लिए बैठ गई और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो फिर सब ने एक साथ खाने को भी बहुत इंजॉय करके खाया। तो फ्रेंड्स देखिए, आज ना शबाना भाभी जान का बर्थडे है, तो पिंकी के अम्मी है शबाना भाभी जान जो है। और साथ साथ में देखिए ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये जो लाइट स्काई ब्लू कलर का ड्रेस ना, ये बहुत ही प्यारा था, ये लास्ट में इसको पैक किए। और जो है ना उसके बाद आपको साइड में अख्तरबाजी भी दिख रहे होंगे, अख्तरबाजी भी आए हुए हैं यहाँ पर। अख्तरबाजी जो है ना नौशीन के फुप्पी है, तो सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और सबकी हेल्प से जो है ना चीज़ें बहुत आसान हो जाती है करना। तो सबको खुशी भी बहुत हो रही थी कि एक दूसरे की मदद से जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए। और उसके बाद जो है ना सोच रहे थे कि कल मतलब बरी में क्या ले जाना होता है, बरी मतलब ये होता है कि फ्रूट्स ले जाना होता है। उसके बाद किसी की खुशी अगर ड्राई फ्रूट ले जाना है तो वो भी ले जाते हैं, एक्स्ट्रा चॉकलेट्स ले जाने हैं, मिठाइयाँ ले जाना है तो वो भी ले जाई जाती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया ये सारी चीज़ें इंगेजमेंट के सुबह में मतलब मॉर्निंग में मंगा लेंगे सब चीज़ें, अभी से नहीं मंगाते, फ्रूट्स वगैरह ख़राब हो जाएंगे, इसलिए ये सारे काम पहले करके रख लेते हैं ना, इसलिए ये सारी चीज़ें हम पहले कर रहे थे और बाद के काम बाद में करेंगे, मतलब के इंगेजमेंट वाले दिन।
चलो मेरी डोटी खड़ा है अस्सलाम वालेकुम नहीं मेरे को यही जमता क्या हुआ बोले क्या मैं तो रिलैक्स हो गई आप रुक रहे नहीं वो रिजा कहाँ नहीं जाऊँगा रोक के मत आना नहीं तो कल आएंगे ना और नहीं अल्लाह को चलो अल्लाह हाफिज मम्मी चले जाएगा तो फ्रेंड्स देखिए मैं घर के लिए जा रही हूँ। सब लोग बहुत ही प्यार से खाना खाने के लिए रोक रहे हैं बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं खाना खाने के लिए रुकूं करके, इसलिए क्योंकि जब सब पैकिंग चल रही थी अचानक फ़ोन आया कि दुल्हन के किसी क्लोज़ कज़िन का इंतकाल हो गया है, तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी मगफ़रत करे। तो बड़ा ख़राब लगा सुन के अचानक से ऐसी खबर। तो हम लोगों ने सब कुछ काम बंद कर दिया और इंगेजमेंट हो गई कैंसिल। तो फ्रेंड्स देखिए इस वजह से जो है ना इंगेजमेंट पोस्टपोन हो गई है। आगे इंशाल्लाह जो भी डेट फिक्स होंगी मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने ब्लॉग को फिर यहीं पर एंड कर दिया और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।